हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुधवार को बड़ी घोषणा करते हुए ग्रामीण चौकीदारों का मानदेय बढ़ा करके 11,000 रुपए कर दिया है और इसी के साथ वर्दी भत्ता भी बढ़ा करके 4,000 रुपए किया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राजनीतिक सलाहकार कृष्ण बेदी के नेतृत्व में कैथल कुरुक्षेत्र पानीपत चरखी दादरी हिसार फतेहाबाद सिरसा करनाल सहित राज्य भर से आए ग्रामीण चौकीदारों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस मौके पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर महानिदेशक विकास एवं पंचायत डीके बेहरा समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ग्रामीण चौकीदारों के लिए कई अहम घोषणा की जिसके तहत अब चौकीदारों को मानदेय 11,000 रुपए दिए जाएंगे तो इसी के साथ 4,000 रुपए वर्दी भत्ता और हर 5 साल के बाद साइकिल देने की भी घोषणा की गई है। तो इसके अलावा चौकीदारों को 1,000 रुपए लाठी और बैटरी के लिए सालाना दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण चौकीदार गांव की इकाई में अहम कड़ी होता है। चौकीदार से जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण के अलावा अब शादी पंजीकरण कार्य में भी पूर्ण सहयोग लिया जाता है। चौकीदारों के मानदेय के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की जाएगी और इसके लिए चौकीदार ग्राम सचिवालय एवं पंचायत घर में ऑनलाइन बटन दबाकर अपनी हाजिरी सुनिश्चित करेंगे ताकि उन्हें मानदेय हर महीने समय पर मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि चौकीदारों को बढ़ा हुआ मानदेय अक्टूबर 2023 से लागू होगा जो नवंबर महीने के मानदेय में मिलेगा। इस पर चौकीदार संगठनों ने मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि चौकीदारों के लिए कई घोषणाओं का पिटारा खोल दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य में 18 से 45 वर्ष की आयु में किसी भी बीपीएल परिवार के सदस्य की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो सरकार की ओर से उसे 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके अलावा 45 से 60 वर्ष की आयु वाले व्यक्तियों को अचानक मृत्यु पर 3 लाख रुपए की राशि दी जा रही है तो इसी के साथ ग्रामीण चौकीदार की भी आकस्मिक मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए की राशि का लाभ दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज़।